Saumil Goswami and you are watching Saumil Goswami Arts. So we have completed 50 subscribers. So thank you guys for all your support. हमने इतनी जल्दी से 50 subscribers complete कर लिए, लेकिन नहीं, हमें 50 से ज़्यादा भी करने हैं. तो आज हम बनाने जा रहे हैं custom play button. So like this video, subscribe my channel and let's start this video. Guys, इस custom play button के लिए सबसे पहले हमें चाहिए cardboard. So guys, ये रहा cardboard. ये आपको easily market में मिल जाएगा. और नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है ब्लैक शीट. सो गाइस, मैं ये है ब्लैक A4 साइज शीट. और नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है A4 साइज शीट रेड कलर. सो गाइस, रेड कलर भी आ चुका है. ये A4 साइज शीट है, ये दोनों A4 साइज शीट है कार्डबोर्ड. लेकिन एक और चीज चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है डबल टेप. सो गाइस, ये है हमारी डबल टेप. ज्यादा बड़ी नहीं है, ये स्मॉल वाली लाया हूं. तो चलिए शुरू करते हैं इस कस्टम को. ये हमारा कार्डबोर्ड है जैसे कि आपको बताया, और ये है शीट. सो गाइस, इसमें हम A4 साइज शीट, A4 साइज का प्ले बटन बनाएंगे. तो ये है इसको हम पेंसिल से वो बना लेंगे. सबसे पहले इसको पेंसिल से पूरा स्केच बना लेंगे. बना चुके हैं आउटलाइन, बना चुके हैं पूरे प्ले बटन की. तो गाइस, अब हम इसको पहले सबसे पहले हम हमें इसको कट करना है कैंची से. Oh,
का वो हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम इस पे चिपकाएंगे जो व्हाइट कलर की शीट है। ब्लैक शीट पूरी चिपका दिया, एक बार देखो। और पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है। सो गाइस, जो भी है आगे से तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे को कमेंट करके बताना अगर आप भी ये सेम बना रहे हो तो आपको ये कैसा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आगे का जो यूट्यूब पर लोग है वो बनाते हैं। फाइनली गाइस, जो हमारा प्ले बटन था वो हो चुका है हमारा कंप्लीट। सो दिखा देता हूँ आपको। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।